नमस्कार न्यूज में आपका स्वागत है तो पेश है आज की अहम खबरें बिहार में नगर परिषद चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है, है न्यूज बिहार नगर परिषद चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान जहां नगर परिषद से चेयरमैन पद के लिए सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता चुनाव मैदान में हैं। सोनी देवी इलाके के बड़े समाज सेवी एवं व्यापारी वर्ग के सम्मानित व्यक्ति देवेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ बबलू जी की धर्मपत्नी हैं। देवेंद्र गुप्ता लंबे समय से जन सेवा से जुड़े हैं चाहे कोरोना काल की बात हो या फिर सीवान में पिछले साल आई भयंकर बाढ़ की देवेंद्र गुप्ता ने गरीब बेसहारा लोगों की दिल खोल कर मदद की आज भी जब किसी व्यक्ति को सहारे की जरूरत होती है तो वो देवेंद्र गुप्ता के यहाँ चला जाता है उसे वहाँ से कभी निराशा हाथ नहीं लगती देवेंद्र गुप्ता कहते हैं कि अगर इलाके की सम्मानित जनता ने उनकी पत्नी अर्चना गुप्ता को चेयरमैन बनाया तो वो सीवान में नाले बिजली पानी सड़क शिक्षा साफ सफाई से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं आदि पर विशेष ध्यान देंगे उनकी कोशिश होगी कि सीवान नगर परिषद बिहार की नंबर वन नगर परिषद बने कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन दिनों सिवान नगर परिषद चुनाव को लेकर के जो भी उम्मीदवार हैं वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और सुबह से शाम तक इनका लगातार कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है प्रत्याशियों का दिल का धड़कन भी बढ़ने लगा है और यहाँ जो स्थिति है सिवान नगर परिषद में जो भी उम्मीदवार हैं वो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर जनता जनार्दन से आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान को लेकर के भी गुहार लगा रहे हैं ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं जो पहली बार नगर परिषद सिवान से सभापति के उम्मीदवार के तौर पर अपने धर्मपत्नी सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता को चेयरमैन के चुनाव के मैदान में उतारे हैं समाज सेवा से जुड़े हैं देवेंद्र गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता आइए इनसे जानते हैं कि इनका सिवान नगर परिषद के अलग अलग क्षेत्रों में जो जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम चल रहा है किन किन क्षेत्रों में इन्होंने जनसंपर्क यात्रा की है और वहां लोगों से मिलने के बाद क्या कुछ वो कह रहे हैं और जनता से क्या फीडबैक या रिस्पांस मिल रहा है देवेंद्र गुप्ता और बबलू गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मैं आपके चैनल से आप सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना दे, देना चाहता हूँ और जनता को सर झुकाकर नमन करना चाहता हूँ मैं अपने अपने क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ और भ्रमण कर रहा हूँ जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद दे देने के बाद भी वो मुझे पुनः बार बार बुला रहे हैं कि आप आइए और आपको हम लोग वोट देंगे नए चेहरे हैं और मैं नया चेहरा का इंतज़ार भी था जी और भादा में भी हम गए दौरा किए बात भादा के भी जनता लोग यही बात किए पब्लिक यही बात कहें और पकवलिया भी गए और दो तीन गांव और भी हमने भ्रमण किया जहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है जनता का और जनता यही बात बार बार कह रही है कि मुझे ईमानदारी चाहिए बेईमानी नहीं चाहिए ईमानदारी के हम लोग कसम खाकर आए हैं हम लोग को हुजूम देखने को मिल रहा है हमको हुजूम से पता चल गया है कि ये जो सिवान जिले के अंदर हुजूम चल रही है वो हुजूम कैसी है तो आप पैदल यात्रा करके जनता के पास पहुंच रहे हैं और हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं यही हमारी कामना और आशीर्वाद है और आप जीतेंगे हमारी पूरी भरोसा है और उम्मीद भी है तो सिवान नगर परिषद में बहुत सारे उम्मीदवार हैं दावेदार हैं जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं लोगों से मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है जनता बहुत खुश है और जनता हमें भी खुश रख रही है और महसूस अच्छा हो रहा है कि भाई हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं जनता कि एक बनिया वर्ग से एक व्यवसायिक वर्ग से एक व्यक्ति खड़े हैं इनकी अच्छी छवि है एक व्यवसायिक कर्मी है ये तो छवि जहां अच्छा होगा वहां जनता हमारे साथ रहेगी चाप भी आप साथ गए थे आज जो घटना घटा हुआ जी, है जी, जो अभी आज एक युवक का शव बर्माद हुआ है उसमें भी आप पहुंचे थे देर से पहुंचे थे जब मीडिया टीम नहीं पहुंची थी तो पता चला कि आप वहां पे संतावना देने पहुंचे थे जी, जी। और एक और चीज है सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को आज शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है प्राथमिक शौचालय आज कहीं भी दिखता नहीं है ये सबसे बड़ा मुहिम होना चाहिए आप मतलब नगर परिषद जुड़ गया है तो क्या लगेगा आपकी पत्नी अगर चुनाव जीतती है तो ये मुहिम में आप जुड़ेंगे और समाज को एक बड़ा अवल समाज बनाएंगे देखिए हम लोग अगर सत्ता में आते हैं जीत कर आते हैं जनता जनार्दन का अगर असर आशीर्वाद मिल जाते हैं तो हम लोग नगर परिषद द्वारा जो फंड मिलेगी उससे हम लोग जो है शौचालय हो तो हर जगह बनवा ही देंगे इसमें कहीं दो राय नहीं है बाकी जो है जो चाप में जो घटना हुआ है जी जी. मैं वहाँ अपने शुभचिंतकों को मैंने भेजा था जी जी. और मैं भी गया आँ. बाद में तो भेंट नहीं हो पाई है आँ. मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो व्यक्ति का इंतकाल हुआ है थ हुई है मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि उन्हें जाकर और हर सहयोग प्रयास करें और उन्हें जो है आगे बढ़ाए सिवान नगर परिषद क्षेत्र की बात करें तेरह उम्मीदवार में से आप भी एक दावेदारी मतलब सफल तरीके से कर रहे हैं और मजबूती तरीके से कर रहे हैं और बहुत कम समय से आप मतलब इस मैदान में उतरे हैं कई लोग तो है कि जो एक साल से छह महीने से दो साल से लगे हुए हैं लेकिन आपका जो दलाली रहा एक महीना से महज एक महीना से कम ही रहा और इतने कम समय में आपने एक बड़ा नाम कर दिया अपने आप को देखिए पत्नी को लेकर क्या देखिए जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है जनता का हमेशा मेरे पास फोन आता है और जनता ये कह रही है कि आपको जो है हम लोग जीत कराएंगे ठीक है इसलिए कि आप उस व्यक्तित्व पर खरा उतरेंगे तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग नगर परिषद को जो पिछला जितना कंडीशन खराब था उस कंडीशन को सुधार करनी चाहिए और फूल के तरह नगर परिषद जो हमारे ऑफिस हैं बहुत ही अच्छा ढंग से उसको बनाया नहीं गया है मैं उसको अच्छे ढंग से बनवा कर और जितने भी नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनको अच्छे चेयर देना अच्छे टेबल देना हर ऑफिस में एसी लगवा कर उनको हर सुख सुविधा से लैस करेंगे ताकि हमारे कर्मचारी जो है सुदृढ़ रूप से वो कार्य कर सके जी एक सवाल आपसे जो कि सिवान इस समय है, जो भी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं लगातार मुद्दा बना रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के कि पिछले कार्यकाल में जो भी यहाँ चेयरमैन रहे या उपसभापति रहे उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाया नगर परिषद की योजनाओं को लूटा आप क्या कहेंगे देखिए अगर लूटी हुई अगर पैसा है तो सरकार के साथ हम देंगे और हर संभव लूटी हुई पैसा को जनता के सामने हम ले आएंगे अगर हमारी पत्नी जीतती हैं उत्तीर्ण होती हैं तो हम जनता के सामने उस पैसे को लूटी हुई पैसे को वापस लाकर और जनता के सामने हम रखेंगे और वो पैसा जो है जनता के काम में लगेगा बिल्कुल अच्छा वार्ड पार्षद का भी चुनाव आप लड़ सकते थे लेकिन चेयरमैन का पद इसमें धन की बल की आवश्यकता होती है और काफी पैसे की जरूरत होती है कि आप चेयरमैन के चुनाव लड़ लेने नहीं मेरे पास शक्ति जनता का है पैसे की शक्ति नहीं है जनता का आशीर्वाद है और जनता का शक्ति है मेरे पास हम जनता के पास पैदल जाते हैं पैदल उनसे मुलाकात करते हैं पैसे का जनता देख रही है मुझे जनता पता भी लगा सकती है मैं 5 दूर के मकान में रहता हूं और जनता के साथ रहता हूं जनता मुझे परख लेगी और हम लोग को अंदर से निकाल के वोट करेगी आपके जो पूर्वज हैं वो भी काफी लंबे समय तक जनप्रतिनिधित्व किए हैं और समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग रहे हैं तो आपको लगता है कि उनके मतलब विरासत को आप आगे बढ़ाए बढ़ाएंगे हाँ मेरे खानदान परिवार में चेयरमैन हमारे दादाजी हुआ करते थे खानदान के दादाजी मैंने उनको सोचा कि उनके रुतवा और जो जज्बा था पहले की मैं एक बार जरूर जिंदा करूं ताकि उनके जो है स्वर्ग में आवाज मिले के हमारे खानदान का एक खून जो है हमारा नाम को जो है बिगुल चुका है यानी कि जनता की आवाज के लिए बिगुल चुका है बिल्कुल जनता है जहां जनता परेशानी के जीवन जी रही है पांच सालों का जो त्रसदाईज देख रही है हर गली मोर पे पानी लगा हुआ है जल जमाव लगा हुआ है कूड़ा कचरे का ढेर लगा हुआ है और सभी समस्याओं से अपार जनता दुखी पाई जा रही है युवाओं को महिलाओं को रोजगार की जरूरत है कहीं ना कहीं समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है एक अच्छे प्रत्याशी को उम्मीद है कि इस मुहिम में आप जुड़ेंगे और बेहतर काम करेंगे अपनी बिल्कुल जुड़ेंगे इसीलिए तो हम आ रहे हैं इसीलिए तो एक व्यक्ति को लाया जा रहा है और जनता जो है मेरा प्रचार प्रसार बहुत नहीं जान रही है अभी धीरे धीरे जनता के पास हमारा पहुंच रहा है और वो आशीर्वाद के रूप में मुझे दे रहे हैं कि आप दूसरा चरण में यहाँ चुनाव होने जा रहा है सिवान नगर परिषद क्षेत्र की बात करें दूसरा चरण में चुनाव होगा 20 अक्टूबर को उसके लिए क्या अभी तक आपने तैयारी कर चुके हैं देखिए हर जगह हमारी तैयारी है और जहां तक आपने कहा कि दन दल और बल और धन तीनों चीज की आवश्यकता है वो तीनों में से मेरे पास कुछ नहीं है अगर धन है तो पब्लिक है ईमानदारी तो है ना ईमानदारी है चलिए और बल है तो पब्लिक है जनता है और कोई उनका सेवक है तो हम हैं सोनी देवी है उर्फ अर्चना गुप्ता और बबलू जी हैं देवेंद्र गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद